चलिए आज बनाते हैं आलमंड पिकन पाई बार्स विदाउट बेकिंग। ये रेसिपी बहुत ही हेल्थी और इजी है। तो सबसे पहले एक पैन में हाफ कप ओट्स, हाफ कप आलमंड्स डालकर लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए ये ठंडा हो गया। अब इसको चॉपर में डाल देंगे। अब इसमें 1/4 कप मेपल सिरप, 1/2 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। दानेदार होना चाहिए। अब ट्रे में वैक्स पेपर लगाकर इसको इवनली स्प्रेड कर लेंगे। हाथ से इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अब सेकेंड लेयर के लिए मैंने यहाँ 1 कप डेट्स लिए हैं और उनके सीड निकाल दिए हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून वाटर, 1/2 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसको भी इवनली स्प्रेड कर लेंगे। अब इसके ऊपर रोस्टेड पिकन्स और स्लाइस आलमंड से गार्निश कर देंगे। इसको फ्रीजर में 1 आवर के लिए सेट होने देंगे। फिर स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए 3 लेयर आलमंड पिकन पाई बार्स बनकर रेडी हो गई है। एंजॉय।